अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने तितली उर्दू क्लास टू का चैप्टर 8 बाब नंबर 8 जो है मेरा साथी मेरा दिलबर वो करना है। प्यारे बच्चों, मेरा साथी मेरा दिलबर, इसके नेल फाज और जुमले हमने कल किए थे। आज का जो हमारा काम है वो हमारा बोर्ड पर करने वाला काम है। आपने पेज नंबर 48 और 49 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, और जब आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है उसके बाद इसके सवाल के जवाब आपने लिखने हैं। जैसे कि आपको पता है कि बाप एक का जो अनुमान है वो है मेरा साथी मेरा दिलबर, वो एक नगमा है, नगमा लिखा गया है, उसको हमें पढ़ना है और जवाब लिखने हैं। सबसे जो पहला सवाल है हमारा वो ये है, इस नगमे में सबके साथ मिलकर क्या गाना है। इस नगमे में सबके साथ मिलकर क्या गाना है। इस नगमे में सबके साथ मिलकर मेरा साथी मेरा दिलबर गाना है। पता है ना आपको कि उस नज़म में मेरा साथी मेरा दिलबर कहते हैं कि आओ गाएं सब ये मिलकर, तो वो आपने लिखना है कि क्या गाना है, मेरा साथी मेरा दिलबर गाना है। जो सवाल नंबर 2 है वो ये है, झंडे में बर्फ का तकिया घास की चादर किसे कहा गया है। जवाब है इसका, झंडे में बर्फ का तकिया सफेद रंग को और घास की चादर सब्ज रंग को कहा गया है। सब्ज रंग ज्यादा होता है हमारे झंडे में और सफेद थोड़ा होता है, इसलिए वो उसने जो शायर है जिसने ये नज़्म नगमा लिखा है उसने कह दिया है कि झंडा जो है वो ऐसे है जैसे उसका सफेद रंग बर्फ का तकिया रखा हुआ है, और जो सब्ज है वो घास की चादर है उसको सब्ज रंग को कह दिया कि वो एक घास की चादर है। तितली और झंडे के अलावा क्या क्या चीजें हवा में उड़ती हैं। तितली और झंडे के अलावा क्या क्या चीजें हवा में उड़ती हैं, उसका जवाब लिखना है आपने, जहाज चिड़िया और कवे वगैरह हवा में उड़ते हैं। जहाज चिड़िया और कवे वगैरह हवा में उड़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें पसंद है, जहाँ पता है कि ये चीज़ें हवा में उड़ सकती हैं तो आप वो अपने मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन वो हवा में उड़ने वाली चीज़ें ही हों। ठीक, इसके अलावा जो चौथा सवाल है हमारा, सवाल नंबर आप 50 खोलें अपने बुक का, वहाँ पे आपने देखना है कि वहाँ पे 4 सवाल हैं, जबकि 3 सवाल आपके जवाब मैंने आपको लिखवा दी हैं, चौथा सवाल है वो आपका खुद का करने वाला है। वहाँ पे जो चौथा सवाल है वो ये है कि आप 14 अगस्त को झंडा कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, झंडे के साइज मुख्तलिफ होते हैं, जैसे बड़ा झंडा होता है तो हम इसे क्या करते हैं, हम अपने छत पे लगा लेते हैं, सही है। तो छोटे झंडे होते हैं, किसी को हम अपने साइकिल पे बच्चे लगा लेते हैं, कोई बाइक पे लगा लेता है, कभी कभी कमरे में कहीं जगह किसी जगह लगा लेते हैं, या फिर हमारे साथ वो अलमारी से बने होते हैं हम वहाँ पे लगा लेते हैं। बहुत सारे हम अपना अपना हमारा अंदाज होता है लगाने का, तो इसलिए आपने क्या करना है, वो जो चौथा सवाल है वो आपने खुद करना है। इन 3 सवालों को आपने रजिस्टर पर नोट करें, और साथ में चौथा सवाल है वो खुद लिखें, आपका खुद का करने वाला, जहाँ जहाँ आप झंडा लगाते हैं वहाँ वहाँ उसका लिखें। आज हम आपने इन सवालों को लिखना है और साथ में आपने इनको याद करना है। बाकी जो हमारा अगला काम है वो है जवाब के सवाल, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।